नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के बिस्फी के विधायक अपने वचनों से, अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले हरिभूषण बचौल को धमकी मिली है। हाँ, हरिभूषण बचौल को जो धमकी मिली है उसमें साफ ये कहा गया है कि जान से मारने की धमकी मिली है उनको। उन्होंने कहा कि वो अपने बयानों से, जब उन्होंने शराबबंदी को लेकर के, नमाज की रस्म जो सड़कों पर अदा कर रहे हैं उसको लेकर के जब वो बयान दिए तो उनमें जान से मारने की धमकी दी है, इसलिए क्या आवेदन भी उन्होंने दिया है। देखिए हरिभूषण बचौल क्या कहते हैं। बिस्फी से बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को विदेश से धमकी भरा फोन आया। बिस्फी से बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को विदेश से धमकी भरा फोन आया है। विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि इस कॉल में उन्हें उस व्यक्ति ने कहा कि अगर नमाज और मुस्लिम धर्म के खिलाफ कुछ बोला तो जान से मार देंगे। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने हमेशा अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। पिछले दिनों ही खुले में रोड पर नमाज पढ़ने को लेकर हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा था कि ये लोग भारत को मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं और सरकार को तुरंत रोड पर नमाज पढ़ बंद कर देनी चाहिए। इसके साथ ही बचौल ने कहा कि ऐसे गीदर भपकी से वे डरने वाले नहीं हैं। इस फोन कॉल के खिलाफ उन्होंने सचिवालय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बचौल ने कहा कि फोन करने के ठीक थोड़ी देर के बाद विधानसभा क्षेत्र में उनके समर्थक की एक दुकान को इन जिहादियों ने लूट लिया। सर, आपको एक कॉल आया है, उस कॉल में क्या कुछ कहा गया है धमकी में? जान मारने की धमकी, देख लेने की धमकी, चुप रहने की धमकी दी गई है। क्योंकि मैं सही बात, सही मुद्दा उठाता रहता हूं, लेकिन इन बातों से मैं डरने वाला नहीं हूं और मेरा जंग जो है वो जारी रहेगा। मैं इन गिदर भभकियों से नहीं डरता हूं। सर, आपने क्या बयान दिया था कि धमकी मिला आपको? सभी तरह की बात पर मैं बयान देता रहता हूं। मैं तो जो भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं उनके खिलाफ बोलता रहता हूं। अभी हाल फिलहाल नवाज जो खुलेआम होता है उस पर मैंने वक्तव्य दिया था और इसी वक्तव्य को लेकर मुझे चुप रहने की और जान मारने की धमकी दी गई। मैं वो मोबाइल नंबर था +14 24 25 45 679, लगता है विदेश का नंबर है। मैं सचिवालय थाना में लिखित भी दे रहा हूं और इसकी जांच कराई जाए। आपके समर्थक का भी कोई घटना हुआ उसके साथ? और ठीक उसी समय मधुबनी के सप्ताह में दीनानाथ यादव की दुकान लूट ली जिहादियों ने। क्या लगता है आगे भी आप ऐसे बयान देते रहेंगे? बयान क्या है, तो इसी के लिए हम पैदे लिए हैं। जो सच है अगर नहीं जगेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, जोगी जी के नेतृत्व में, तारकिशोर प्रसाद संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में, तो आने वाला संततियां माफ नहीं करेगी और भारत को बहुत बड़ा खतरा है। ठीक। पटना उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का बड़ा बयान। बिहार के विशेष दर्जे की मांग को लेकर जदयू की मांग पर बोले मंत्री शहनवाज हुसैन, दोनों दल एनडीए के घटक दल हैं, इसीलिए किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है। विशेष पैकेज सहायता केंद्र की सरकार कर रही है। पीएम मोदी का विशेष ध्यान बिहार पर है। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार इस मामले को जरूर देखेंगे। बिहार तो है ही हमारे लिए बहुत विशेष। नरेंद्र मोदी जी के लिए बिहार उनके दिल में बसता है, उनके लिए विशेष राज्य तो है ही, लेकिन जो भारत सरकार का एक पैमाना है उस पर निर्णय होगा। बयानबाजी से ये, इस पर कुछ नहीं होने वाला है। जो केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और राज्य में भी एनडीए की सरकार है, तो इसलिए जो भी मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी बातचीत करेंगे और उस पर निर्णय होगा। लेकिन जो पैकेज दिया था प्रधानमंत्री जी ने, सब पैकेज जमीन पे उतरा है। हर तरह का सपोर्ट उनका है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में केंद्र से पूरी मदद मिली है। और बिहार को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बिहार बने, ये नरेंद्र मोदी जी के भी मन में है कि बिहार तरक्की करे, और यही नीतीश कुमार जी के मन में। सर, आपके पार्टी के बयान का कोई धमकी मतलब दिया गया क्या? मुख्यमंत्री के बयान का कोई मतलब? बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी पर पर्यटन मंत्री राम नारायण प्रसाद ने कहा कि वे पहले से रिलेशनशिप में थे।
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी पर बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री राम नारायण प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी यादव पहले से रिलेशनशिप में थे, अब उन्होंने शादी कर लिया है तो अच्छी बात है। एक ईसाई लड़की को अपने धर्म में लाया है। सनातन धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने पुराने धर्म में आना चाहता है तो उनका स्वागत है। बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में पार्टी कार्यालय में पहुंचे थे मंत्री नारायण प्रसाद। प्रेम पहले से था, मीडिया के माध्यम आपके माध्यम से हम पहुंचा रहे, और प्रेम जो था वो कोई सीमा से अलग होता है। प्रेम किया है तो निभाना चाहिए। नाम बदल दिए हैं, नाम बदले तो अच्छा किया है। अपने ईसाई लड़की रही, स्वेच्छा उसका हुआ हिंदू धर्म को कबूल करके तेजस्वी के साथ उन्होंने शादी किया है, इसके लिए हम उनको बधाई देते। भोज भी इंतजार, भोज का भी इंतजार कर रहे हैं? नहीं, भोज जब जैसे वो करेंगे देंगे भागवत, तो उसमें हमारे पास निमंत्रण आएगा तो निश्चित हम उस पर विचार करेंगे। मोहन भागवत। पटना के नौबतपुर में संपत्ति के विवाद में महिला एवं बच्चे को घर में जिंदा जलाया। जानकारी के अनुसार नौबतपुर थाना के कर्णपुरा गांव में शांति देवी 70 वर्ष एवं उनके पुत्र अमरेंद्र कुमार 12 वर्ष को उनकी भतीजी माधुरी देवी 32 वर्ष ने बुधवार को अहले सुबह घर में ही केरोसिन तेल छिड़क कर जिंदा जला डाला। माँ एवं बेटे अपनी जान बचाने की घर में इधर ही उधर भागने का प्रयास करते रहे, लेकिन भतीजी ने दुस्साहस का परिचय देते हुए आग लगाकर उन दोनों को कमरे में बंद कर दिया। आग के लपटी एवं गंदे महक से की जानकारी मिलते ही गांव के लोग वहां जमा हो गए और आक्रोशित लोगों ने भतीजी की जमकर पिटाई शुरू कर दी। गांव के लोगों ने इसकी सूचना नौबतपुर थाने की को दी। सूचना मिलते ही नौबतपुर थाने की पुलिस ने भतीजी माधुरी देवी के लोगों के बीच से निकालकर अपने गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने महिला शांति देवी एवं उनके बेटे अमरेंद्र कुमार का जला हुआ शव को घर से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक महिला के परिजन संगीता देवी ने बताया कि शांति देवी का कोई पुत्र नहीं था। शांति देवी के नाम उनके पति ने काफ़ी जमीन और संपत्ति कर रखा था, लेकिन उनका एक भी पुत्र ना होने के कारण उन्होंने एक लड़की अमरेंद्र कुमार को गोद लेकर काफ़ी सालों से पालन पोषण कर रही थी। काहे ला हत्या कर दिया? काहे ला कि धान ला कि ब्याह ना करे देबो, कि जमीन हम लेबो। हाँ, कितना जमीन ले? जमीन सब मिला के है ना, लगे 10 कट्ठा है, 5 कट्ठा है, 5 कट्ठा है। पहले भी मारपीट करता था का? हाँ, एक बार होले मुठ ठा वाला सिसो के पेड़ तीन बजे पेड़ काट के ले गए और काट के आई अपनी मिली तो रात के घटना कर दे कई। यही जमीन ला लोग था कि जमीन हम ना दोसा के हम ना ले, हम जमीन ले। शादी भी ठीक की हुआ था का? शादी भी ठीक था। क्या नाम इसका? हमने कड़ाई करा चाहते हैं कि तुम इसका जब हमरे ना है तो वो कर कहाँ से रहता? क्या आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इसका दम पूरा हम जिस परिवार हम होलक ना और उसी को बदला हम निकल। पुलिस कुछ लोग पकड़ा भी है? हाँ। आपका क्या नाम है? संगीता देवी। क्या सुन के आए हैं, क्या मामला है? सूचना मिला है कि करमपुरा गाँव में एक औरत एक बच्चा को जला दिया गया, अभी जाँच पड़ताल चल रहा है, हम लोग पहुँचे। ठीक। यहाँ पे टीचर प्रार्थना के लिए बता रहे हैं स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट को भी यहाँ प्रार्थना नहीं आ रहा। देखो, ये बिशनपुर स्कूल है, उत्कर्मित मध्य विद्यालय विष्णुपुर, देख लीजिए स्कूल का नाम। ऐसे टीचर हैं यहाँ पे, एक भी स्टूडेंट का वो प्रार्थना तक नहीं याद है, पढ़ाई क्या होगा यहाँ। कृपया करके इसे थोड़ा ज़्यादा वायरल करें। Yeah.
जाओ।